मिथुन साहब गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। थोड़ा लगा तो ऐसा कि शायद झटका देगा ग्लोबल मार्केट, अमेरिका में ज्यादा लगा, हमारे यहाँ कम। पहले तो एक बार आपका आउटलुक और अपडेट लेना चाहता हूँ सर। हाँ गुड मॉर्निंग अनिल जी, आपको और व्यूअर्स को आपको नए साल का, जैसे आपको कहा कल भी अच्छा था, लेकिन थोड़ा यहाँ कॉशन रखिए, मार्केट अनचार्टेड टेरिटरी में है और इट इज गिविंग यू सेंस ऑफ डिसबिलीफ, तो थोड़ा सा कॉशन रखना जरूरी है बिकॉज करेक्शन जैसे आपने कल यूएस में देखा, आई थिंक इन ग्लोबल मार्केट्स ऑल्सो। दूसरा अनिल जी, द डॉलर इज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड एंड नाउ लुकिंग राइप फॉर अ कमबैक विच विल डेफिनेटली हैव सम इफेक्ट ऑन मेटल्स एंड इमर्जिंग मार्केट्स। और हमने देखा है कि रुपी में जो स्ट्रेंथ आई है उससे आपको ये दिख रहा है कि जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं दे विल बी इन अ लिटिल बिट ऑफ अ मार्क टू मार्केट प्रॉब्लम। सो आई थिंक दैट यू हैव टू बी कॉशियस हियर, बट यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक, जो हमने आपको कहा था। अब आप कहें तो मैं कल का अपडेट दे दूं अनिल जी। जी सर, प्लीज बताएं। जी सर, तो अनिल जी कल आपको सन फार्मा कहा था, वो आउट परफॉर्म कर गया। उसके अलावा मैंने आपको पीएनबी दिया था, वो 36 रुपए हिट कर गया, कल ही उसका टारगेट 2.5% का हो गया था। उसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा भी हो गया था। एसीसी 1635 वाला आज हाई मारा है, 1663 का आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और मैंने आपको क्लोजिंग में सेल भी दिए थे, बंधन बैंक जो आज नीचे बिक गया था 391.60, अगर आप शॉर्ट हैं तो बने रहिए, स्टॉप लॉस रखिए 407 का। और इंडसइंड बैंक जो 905 में दिया था वो 887 वहां हिट हो गया, वहां पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में मैं अभी भी नेगेटिव हूं एंड कीपर जो आपको स्टॉप लॉस दिया वो रख के अपनी हेज भी बना के रखिए मार्केट में। अब आप कहें तो दो बाय एक सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। दो बाय एक सेल बिल्कुल, और कल तो आपके शॉर्ट वाले भी कॉल सारे प्राइवेट बैंक्स के, जो तीनों ही बंधन, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक कारगर साबित हुए। बताइए सर, शुरुआत कीजिए खरीदारी वाले ट्रेड्स के साथ। तो खरीदारी में सर मेरे को लगता है मीडिया विल आउट परफॉर्म, आरपूज आर राइजिंग, सन टीवी लीजिए 495 से 497, 487 का स्टॉप लॉस, 515 का टारगेट। अब ये शेयर अभी जब तक हम बोल रहे हैं थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो कीप योर स्टॉप लॉसेस मोर वायबल, 490 का कर लीजिए। दूसरा बाय एचपीसीएल, स्ट्रांग रूपी एंड फॉलिंग क्रूड आर द परफेक्ट रेसिपीज फॉर एचपीसीएल, 223.23 में लीजिए, 217 का स्टॉप लॉस, 230 से 232 का टारगेट। बेचने में है सर हिंडालको, 51 से 52 में बेचिए, 55.5 का स्टॉप लॉस रखिए और इसमें 40 से 41 रुपए का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए तीन कॉल सन टीवी खरीदारी करने की राय है, और सन टीवी खरीदें आप 495 से 497 के रेंज में, थोड़ा सा नीचे आए तो बेहतर है, 490 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए रिवाइज करके, 490 का, 515 का रखिएगा टारगेट ये सन टीवी। अब आइए दूसरा है एचपीसीएल, 223 के आसपास आपको खरीदना है, 217 का स्टॉप लॉस लगाना है, 230 और 232 का होगा टारगेट। बिकवाली करनी है हिंडालको में, यहां पर बसिन साहब कह रहे हैं कि 51 रुपए के आसपास, यहां पर 251 के आसपास आप यहां पर 251-251.50 की रेंज में बेचिए, 255.50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 240-241 ये होंगे आपके टारगेट जिसके लिए बिकवाली करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया बसिन साहब ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए।